कब आ रहे थे होली को? तो न जाने क्यों मेरे टिकट्स कभी भी कंफर्म नहीं होती है। अरे ड्राइवर साहब, स्माइल देख रहे हो आप कितने? ट्रेन की टिकट तो मिल गई, बस वाले को कॉल कर रहा हूँ मैं, गाड़ी का टाइमिंग पूछ लेता हूँ। केसर जी कम, गाड़ी कितने बजे? गाड़ी राइट टाइम ही आ जाएगा, 8 बजे तक। ठीक है ठीक है, चलो मैं आ रहा हूँ। एक्चुअली ट्रेन की टिकट मुझे मिली नहीं है, तो मैं जा रहा हूँ बस से वाया मतलब पालनपुर करके एक जगह है, वहाँ पे जाऊँगा, देन वहाँ से मैं हापू जाऊँगा। यार बिन मौसम बारिश हो रही है, लगता है सिलवासा में कोई मुझे जाने नहीं देना चाहता है, या सिलवासा खुद जाने नहीं देना चाहता है, बट मैं जाऊँगा क्योंकि यार दिवाली घर पर ना रहो तो आपका जॉब करने से भी क्या फ़ायदा। प्लान ऐसा था कि मैं कल जाने वाला हूँ, फिर मेरे पिताजी ने मुझे बताया कि भैया होली तो आज है। एक सेकेंड, किसका फ़ोन आया? ओहो, पापा का नाम लिया और पापा का फोन भी आ गया। लंबी उम्र। और फाइनली मैं केसर जी के ऑफिस में पहुंच चुका हूं, और ये है हमारे केसर जी जिन्होंने मेरी हर बार अपने घर जाने में हेल्प की, बट थोड़ी पालनपुर तक ही किए, आबू जाने तक नहीं करते क्योंकि उसके लिए रेट बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना। नहीं नहीं, अच्छे इंसान है, रेट बहुत कम बोलते हैं और मुझे पालनपुर तक पहुंचा देते हैं, उसके बाद तो मैं कैसे भी चले जाऊँगा। आज को बुकिंग के लिए अपने बेंगलोर, हैदराबाद, हुबली, धारवाड, गोवा जी हमारे फ्रेंड है, अच्छे हैं और वापिस से हमको आने जाने में मदद करते हैं। अरे वापिस से आप हमें मदद करते हो, हम आपको मदद नहीं करते। नहीं ऑनेस्टली, कोई भी बुकिंग अगर आपको करानी है तो आप केसर जी के पास में आइए, ये बहुत अच्छे से आपको असिस्ट करेंगे एंड आपको जहाँ भी जाना है उसके लिए आपको बताएंगे, ट्रेन से कम दाम और दाम भी कम लेते हैं भाई जी। चलो फाइनली मेरी बस आ चुकी है, केसर जी को बाय बोल के। तो बस बोर्ड कर रहे हुए मुझे ऑलमोस्ट 2 घंटे हो चुके थे और अब बारी थी खाना खाने की, तो रंजीत भाई ने एक प्यारी सी होटल पे रुका जिसका नाम था होटल रिलीफ। एंड अभी फाइनली गाड़ी रुकी है खाना खाने के लिए, कुछ चिकली करके कोई जगह, आधा घंटा मेरे ख्याल से हॉल्ट लेने वाली है। आपका तो खाना फ्री में है ना? हर बार बढ़िया है यार। गाइस ये जो रंजीत भाई है ये बस जैसे चलाते हैं वैसे खाना भी खाते हैं। इनकी स्माइल बहुत डेंजर है। जो बस है वो चिखली में रुकी थी, यहाँ पे एक होटल रिलीफ कर गए, कासम भाई है इनके जो शेफ्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा खाना बनाया। आप खाना एक बार आओ, पसंद करो, अच्छा है। बाय द वे इनके पास में रूम्स भी है, तो इन केस आप हाईवे पे कभी ट्रेवल कर रहे हो तो आप चिखली में आके रुक सकते हैं। कितने रूम्स है कासिम भाई आपके पास? 9 रूम्स है। सर ऑनेस्टली कासिम भाई बहुत अच्छे थे, मैंने खाना खाया और उन्होंने कुछ पैसे भी नहीं लिए, मतलब सीरियसली है कि खाना भी इतना प्यारा है ना यहाँ पे। आप कभी भी चिकली साइड में, सूरत साइड में अगर आ रहे हो तो रिकमेंडेड थम्स अप और कासिम भाई थम्स अप फॉर दिस रिलीफ होटल। अब कासिम भाई की मेहमान नवाजी देख के मेरा मन खुश हो गया था, लेकिन अभी भी मेरे पास सबसे बड़ी जो दुविधा थी वो थी होली कब है, 6 को है 7 को है या 8 को है। मैं इतना कंफ्यूज हूँ ना होली के बारे में, ऑनेस्टली यार नहीं पता मुझे होली कब है, बट जो भी हो हम बहुत अच्छे से होली बनाने वाले। मेरी बस निकलने वाली है, बोर्ड कर लेता हूँ। एंड
फाइनली मैं पहुंच चुका हूं पालनपुर में। टैक्सी लेके मुझे जाना पड़ेगा अबू। ये भाई बहुत ही प्यारे थे, सारे स्टाफ बहुत प्यारे थे, बहुत हेल्प की उन्होंने मेरी। ऑलराइट गाइस, सो फैजल खान हियर। ये बंदा मुझे लेने के लिए आया है। और भाई हैप्पी होली, हैप्पी होली भाई। और भाई फैजल खान, और भाई चल, और भाई मजे चल रहा है आबू रोड में। आबू रोड में भाई कुछ नहीं चल रहा, नॉर्मल है। ये एकदम रांझना वाला कुर्ता पहन के आया है, हैं महादेव की कसम है, 700 रुपए खर्च किए पूरे। अरे भाई तो फाइनली आबू रोड में पहुंच चुका था, लेकिन अब मेरी बारी थी ढूंढ में जाने की। अब आप सोच रहे होंगे कि ढूंढ क्या है, तो ढूंढ बेसिकली एक सामाजिक कार्य है जिसमें अपने अपने डंडे लेके हम निकलते हैं न्यू बॉर्न बेबीज को अपना आशीर्वाद देने। So, हम लोग भी आए हैं यहाँ पे, उनका एक कार्यक्रम रहता है। हम क्या करेंगे, होली के टाइम आएंगे, नाचेंगे गाएंगे, और बेसिकली जिसके भी बच्चे होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको हम ढूंढने के लिए आते हैं। यस, उनको आशीर्वाद देते हैं कि वो फूलों फले, बड़े हो और अच्छे अपने तरक्की करें। यस, अब ये तो हो गया सामाजिक कार्य, लेकिन हमारे दोस्तों वाली होली तो अभी बाकी थी ना, तो हम भी निकल गए अपनी होली मनाने के लिए। ऑलराइट गाइस, सो होली मना के हम लोग आ चुके थे, तो पूल पार्टी हम लोग करने जा रहे हैं। हमारे यहाँ पे पूल ऐसा जैसा आप इमेजिन कर रहे हो वैसा नहीं रहेगा, थोड़ा गरीबों वाला पूल है, बट मौसम बहुत ज्यादा प्यारा हो रहा है भाई। क्या बातें कर रहे हो, कुछ नहीं, शादी फैजल भाई की, शादी की सारी बातें कर रहे हो। शादी से याद आया गाइस, आज आज हिमांशु को, अरे यार भाई बकचोदी नहीं है ये, इसको थोड़ा कुछ इसके रिश्तेदार इसको देखने के लिए आए थे, ये तो बेचारा सो रहा था। गाइस हमारे इस गरीबों वाले पूल में पानी बहुत कम है यार, बट मौसम बहुत बढ़िया है, तो इतना दूर आए तो अभी नहाना तो पड़ेगा ही यार। होली मना के बहुत बहुत मजा आ गया। आनंद आनंद जहर।